इसके बाद एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंडेड टू 3, x पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू x का स्क्वायर माइनस 5 x माइनस 3 का मान याद कीजिए। तो इसको जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है अगर यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट रखा जाए तो लिमिट x टेंडेड टू 3 x पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, अगर x की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो दिया हुआ फलन जो है दिया हुआ क्वेश्चन का निर्धारण मिल जाएगा। जैसे t का पावर 4 हो जाएगा 81 माइनस 81 और यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 80 माइनस 50 माइनस 3 जो कि आज निर्धार रूप में बनेगा। तो इससे बचने के लिए हम इसमें गुणनखंड का यूज करेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं लिमिट x टेंडेड टू 3 बेटा यहाँ पर x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर टोटल का y और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इसको द्विघात व्यंजक से हम इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर a इंटू सी यहाँ पर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 आया माइनस 6 को तोड़िए कि जोड़ने पर माइनस 5 आ जाए तो माइनस 6 को लिख सकते हैं माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 6x प्लस x माइनस 3 फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर पाने वाले ब्रैकेट क्या कॉमन है 2x कॉमन है बचा क्या बचा यहाँ पर x माइनस 3 दूसरे वाले ब्रैकेट में कॉमन है 1 x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए प्लस के पहले एक पद है और प्लस के बाद एक पद है इन दोनों पदों में क्या कॉमन है यहाँ पर ब्रैकेट वाला पोर्शन अर्थात x माइनस 3 कॉमन है x माइनस 3 और बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 1 इसको हम द्विघात व्यंजक से इसका वैल्यू ज्ञात किए और इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप का है अंश में और वर्गांतर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा क्या लिमिट एक्स टेंडेड टू 3 इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर दूसरे वाले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए हर में जो है पहले ब्रैकेट में x माइनस 3 हम अंश में भी परिवर्तन करें हर को देखते हुए तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 में पुनः हम वर्गांतर के फार्मूले का यूज करेंगे आएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 आएगा हो जाएगा लिमिट x टेंडेड टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 टोटल का y x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इसे कैंसिल आ जाएगा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडेड टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हम रख देंगे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। तो इसमें जो है हो जाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू 6 अपॉन 7 आ जाएगा 108 अपॉन 7 आंसर। अब हम
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस वन। अब हम सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि यह अपरिभाषित निर्धारक रूप में है या अपरिभाषित है कि नहीं है। तो इसमें जो है जहां पर x से x की वैल्यू हम रखेंगे हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस वन अपॉन c इंटू जीरो प्लस वन। अगर देखा जाए ये जो है अनिर्धारक रूप में नहीं है तो इसमें हम डायरेक्ट x की वैल्यू हम रखेंगे हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस बी अपॉन c इंटू जीरो प्लस या जीरो प्लस बी अपॉन जीरो प्लस वन इज इक्वल टू बी। इसका आंसर हुआ। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट जेड टेंडेंट टू वन जेड का पावर 1/3 माइनस वन अपॉन जेड का पावर 1/6 माइनस वन का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है लिमिट जेड टेंडेंट टू वन जेड का पावर 1/3 माइनस वन अपॉन जेड का पावर 1/6 माइनस। अगर जेड की वैल्यू को रखा जाए तो यहां पर हो जाएगा 1 का पावर 1/3 माइनस वन। तो 1 का पावर कुछ भी होता है 1, तो आ जाएगा क्या 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 जो कि अनिर्धारक रूप में जाएगा 0/0। तो इससे बचने के लिए हम इसमें गुणनफल का योग करेंगे हो जाएगा क्या लिमिट जेड टेंडेंट टू 1। और अगर देखा जाए हर का जो पावर है 1/6 है और अंश में जेड का पावर 1/3 है। अब हर को देखते हुए हम अंश में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे घातांक का फार्मूला है यंग पावर या पूरी का पावर या इक्वल टू होता है यंग का पावर एम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड का पावर 1/6 पूरी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या जेड का पावर 2 × 1/6 अर्थात आएगा जेड का पावर 1/3 है। तो हम जो जेड पावर 1/3 को वर्गांतर में चेंज करेंगे स्क्वायर के लिए हम इसे परिवर्तन करेंगे हो जाएगा क्या जेड का पावर 1/6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन जेड का पावर 1/6 माइनस। हम हर को देखते हुए अंश में परिवर्तन किए। अब अंश में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है तो पहले वाले टाइप में ए प्लस बी दूसरे वाले में ए माइनस बी आ जाएगा क्या लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड का पावर 1/6 प्लस 1 इंटू जेड का पावर 1/6 माइनस 1 टोटल का बाई जेड का पावर 1/6 माइनस 1। जेड का पावर 1/6 माइनस 1 जो कट गया आ जाएगा क्या लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड पावर 1/6 प्लस 1 जहां पर जेड है जेड की वैल्यू को हम रखेंगे आ जाएगा क्या 1 का पावर 1/6 प्लस 1 या 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन के लिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंडेड टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x + 2 का मान ज्ञात कीजिए।
बाई एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस टू। अगर इसमें एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट रखा जाए तो आएगा क्या, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, अर्थात इसमें आ जाएगा जीरो, हर में माइनस टू प्लस टू, हर में भी जीरो आ जाएगा। और दिया हुआ क्वेश्चन तो जीरो बाई जीरो के टाइप का बन जाएगा, जो कि यार निर्धारित है। अब इससे बचने के लिए हम इसमें परिवर्तन करेंगे, हो जाएगा क्या, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस टू, हर में जो है इसका लघुत्तम हो गया टू एक्स, और एक्स से एक्स कट जाएगा इसमें आ जाएगा टू, प्लस टू टू से टू कट जाएगा एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस टू। या इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स इन टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू माइनस टू वन अपॉन टू एक्स। बेटा जहां पर एक्स है एक्स की वैल्यू को रखेंगे आ जाएगा वन अपॉन टू इन टू माइनस टू या वन अपॉन माइनस फोर आंसर आएगा। इसके बाद लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, अगर एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट रखा जाए तो फलन बन जाएगा साइन जीरो अपॉन जीरो के टाइप का था जीरो बाई जीरो के टाइप का, जो कि निर्धारक हो। अब तो इसके लिए हम इसमें करेंगे परिवर्तन, जवाब हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, हम इसी फार्मूले का इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर साइन का एक्स एक्स है और वही हर में और एक्स टेंड टू जीरो अर्थात जो साइन का एंगल है वही हर में है, तो इसी आधार पर हम जो है यहाँ पर साइन ए एक्स है ए एक्स से इसमें पूरा भाग करेंगे, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए एक्स इंटू साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स टोटल का बाई बी एक्स। यहाँ पर एक्स से एक्स जो कट जाएगा ए अपॉन बी को बाहर कर सकते हैं, हो जाएगा ए अपॉन बी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। इसके बाद जो है हम इसमें जो है हो गया ए अपॉन बी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, चूंकि एक्स टेंड टू जीरो तो एक्स टेंड टू जीरो होगा। हम जो है जहां पर एक्स टेंड टू जीरो है फलन को देखते हुए एक्स टेंड टू जीरो का प्रयोग करेंगे, यहां हो जाएगा e अपॉन b लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और इस फार्मूले से इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, आ जाएगा क्या ए अपॉन बी इन टू आर इज इक्वल टू ए अपॉन बी आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट एक्स टेंड टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट एक्स टेंड टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू पाई यहां रखा जाए तो दिया हुआ फलन जो है जीरो बाई जीरो के टाइप का बनेगा, जो कि अनिर्धार रूप में है, तो हम इसमें परिवर्तन करेंगे।
इसमें जो है पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं, तो यहाँ पर एक्स टेंड टू पाई, एक्स की लिमिट पाई है, तो एक्स के संगत वाई की लिमिट हो जाएगा वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और एक्स का मान पाई है, पाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्या लिमिट वाई टेंड टू जीरो वन अपॉन पाई इन, और पाई माइनस एक्स कितना वाई है साइन वाई अपॉन वाई वन अपॉन पाई, जो स्टैंड है इसको हम बाहर कर देते हैं, हो जाएगा वन अपॉन पाई लिमिट वाई टेंड टू जीरो साइन वाई अपॉन वाई, ये जो है लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा के टाइप का है, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, आ जाएगा वन अपॉन पाई वन इक्वल टू वन अपॉन पाई आएगा, यही आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कास टू एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस वन का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कास टू एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू को रखा जाए हो जाएगा क्या कास जीरो माइनस वन, अर्थात आ जाएगा वन माइनस वन, हर में भी आ जाएगा कास जीरो माइनस वन वन माइनस वन, जीरो बाई जीरो के टाइप का अनिर्धारण रूप बन रहा है, हो जाएगा क्या। अब जो है जब ये जीरो बाई जीरो के जीरो बाई जीरो के टाइप का अनिर्धारण रूप है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले का यूज करेंगे, आ जाएगा क्या लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब कास टू एक्स में हाफ एंगल वाले फार्मूले का यूज करते हैं, कास टू एक्स इज इक्वल टू टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन का यूज करेंगे हम, हो जाएगा क्या टू कास स्क्वायर एक्स कास एक्स माइनस वन। अब यहां पर हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए दिया हुआ फलन दिए हुए क्वेश्चन का हर जो कास में है, इस नाते हम कास टू एक्स के कास वाले फार्मूले का यूज करेंगे इसमें, तो कास टू एक्स के स्थान पर टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस वन आ जाएगा क्या लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टू कास स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन कास एक्स माइनस, अंश में टू कॉमन है, हो जाएगा क्या लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टू इन कास स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर अंश में हम जो कास स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ वन के स्थान पर कर सकते हैं, वन का स्क्वायर वर्गांतर के फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ए माइनस बी सी, हो जाएगा क्या लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टू इन कास एक्स प्लस वन कास एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस वन। यहां पर कास एक्स माइनस वन जो कट जाएगा अचर पद को बाहर कर देते हैं, आ जाएगा क्या टू इन लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कास एक्स प्लस वन, जहां पर एक्स है तहां पर एक्स की वैल्यू को रखते हैं, आ जाएगा क्या टू इन कास जीरो प्लस वन या टू इन वन प्लस वन, कास जीरो का मान होगा वन, आ गया टू इन टू वन का फोर आंसर आएगा। इसके बाद इस प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको